स्कूल में ऐसा पॉइंट आया था जब एग्जाम बहुत पास आते हैं, एंड उस वक्त मैं इंस्टाग्राम पे आधा 2 घंटा रोज स्क्रॉल कर रहा था। ना मैं पढ़ाई करता था, ना मैं जिम जाता था, ना मैं रीड करता था। मैं भाई बहुत टाइम वेस्ट करता था मैं। एंड ये एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ ब्रो, आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। जो तुम्हारा मेन काम है उसको छोड़ के तुम फोन पे बकवास देख रहे हो, उसी को तो प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। एंड ब्रो सिर्फ मैंने नहीं किया होगा, मे बी यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, बहुत लोग करते हैं। बहुत लोगों का मेन रीजन ऑफ नॉट अचीविंग देयर गोल्स इज बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड हाउ टू किल दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट। द मेन रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट ओवर थिंकिंग। जब भी कोई तुम अपना काम करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम पढ़ाई करने जा रहे हो, देन तुम्हारे दिमाग में ये दो चीजें जरूर आएंगी, क्या मैं अभी पढ़ना चालू करूँ, क्या मैं बाद में पढ़ना चालू करूं। ब्रो इसकी वजह से ओवर थिंक होता है एंड इसकी वजह से ही प्रोक्रेस्टिनेशन आती है। अगर तुम अपने काम को टालते रहोगे, बोलोगे कि नहीं अभी 5 मिनट बात करूंगा, 10 मिनट बात करूंगा, ब्रो इसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन आएगी। एंड वो 5 मिनट 10 मिनट नहीं होता ब्रो, आधे 2 घंटे बाद होता है। द रूट कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट ओवर थिंकिंग। तुम ज्यादा ओवर थिंक करोगे, ज्यादा सोचो मत ब्रो। अगर तुमको कोई काम करना है सीधा करने बैठ जाओ। तुमको बुक रीड करनी है, सोचो मत, खोल के बैठ जाओ, सिर्फ एक पेज रीड कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उससे तुमको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी एक पेज रीड करने से, उससे तुम्हारी आदत बनेगी। जब भी मेरे को कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना है मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि बाद में करूं, मैं इसको उसी वक्त करूंगा। अब देखो ब्रो इसका उल्टा भी सेम है। तुमको पता है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना बुरी आदत है, तुमको पता है वीडियो गेम्स खेलना बुरी आदत है, तुमको पता है। जब तुमको ये सब पता है तुम ये सोच क्यों रहे हो मैं ये करूं या ना करूं, सीधा बोलो भाई मेरे को नहीं करना। जब तुम अपने दिमाग में ये सोचते हो ओवर थिंकिंग का सीन ही खत्म हो जाता है। लाइक तुम ओवर थिंक ही नहीं करोगे, तुमको पता होगा तुमको क्या करना है एंड क्या नहीं करना। अब मैंने अभी तुमको बताया है कि ओवर थिंकिंग की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, इजियर सेड देन डन। लाइक मैंने तो बोल दिया ऐसे ओवर थिंक मत करो तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी, बट ब्रो इसको टाइम लगता है यार। कुछ दिन तुम्हारे बहुत खराब जाएंगे, तुम प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहोगे, ओवर थिंक ही करते रहोगे, अच्छे नहीं जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार मान जाओ। तुम सोचो कि यार नेक्स्ट टाइम अपना काम करने से पहले ये फालतू चीजों से थोड़ा दूर रहूं। तुम्हारे दिमाग में अपने टास्क से डेविएट होने की अर्ज तो जरूर आएगी, बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रेविंग्स में ना आके अपने काम पे ध्यान दे। जैसे तुम्हारा काम मन में आता है, अब मेरे दिमाग में दो बात आती है, बाद में करूंगा या अभी करूं। ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, अभी करूंगा। जैसे तुम्हारे पढ़ने का मन नहीं करता, तुम बस किताब खोलो और पेन पकड़ के बैठ जाओ, चैप्टर के 2-3 लाइनें पढ़ लो, भाई इससे तुम तगड़े स्टूडेंट नहीं बनोगे, इससे तुम्हारी आदत बनेगी ये ओवर थिंकिंग को छोड़ने की। एक और चीज जो तुम कर सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ने के लिए, दैट इज क्रिएटिंग अ टाइम टेबल। देखो यार अगर अभी तुम पे कोई टाइम टेबल नहीं है, तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तुम कोई भी टास्क किसी भी टाइम कर देते हो, तुम्हारा टाइम ऑर्गेनाइज नहीं है, यू कुड बी सेविंग सो मच टाइम। ब्रो टाइम टेबल की मदद से यू वोंट थिंक कि यार मैं इतने बजे क्या करूं। अगर तुम पे कोई टाइम टेबल रहेगा तो तुमको पता रहेगा कि तुम क्या करोगे कितने बजे, उसकी मदद से यार तुम थिंक नहीं करोगे। तुम सीधा टाइम टेबल खोलोगे, देखोगे कि यार इतने बजे ये टास्क करना है मेरे को, जितना फ्रिक्शन कम हो सके उतना करो अपने टास्क को चालू करने के लिए। टाइम टेबल बनाना बहुत सिंपल है यार, जस्ट ओपन अप योर कैलेंडर्स ऐप इन योर आईफोन और एंड्रॉयड पे खोल दो, हर टाइम पे एक टास्क ऐड कर दो, या फिर एक पेपर पे बना दो यार, नोट पैड खोलो उस पर बना दो टाइम टेबल अपना। एंड ब्रो डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट, लाइक हर घंटे का कोई टास्क बना दो। फॉर एग्जाम्पल तुम 6 बजे उठ रहे हो एंड तुम ये नोट कर रहे हो अपने टाइम टेबल पे कि 6 AM to 7 AM वेकअप, कोल्ड शावर, मॉर्निंग रूटीन, देन 7 to 8 जिम, 8 to 9 स्कूल, ट्यूशन, जो भी करते हो यार तुम। अपने दिन में एक भी घंटा वेस्ट मत करो, लाइक हर घंटे को एक टास्क असाइन करो एंड वो टास्क करो। अगर तुम एक भी घंटा छोड़ोगे ना ब्रो, दैट विल इंक्रीज द अर्जेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने टाइम टेबल बनाया, मैंने ओवर थिंक करना छोड़ा, एंड ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लाइक ये कोई डिजीज नहीं है जो मैं ठीक हो गया हूँ, बट फिर थोड़ा टाइम लगता है यार, पेशेंस होना जरूरी है। एक टाइम टेबल बनाओ, ओवर थिंक कम करो एंड तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कम होगी। एंड सेकेंड थिंग ब्रो, ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फालतू चीजें देखना कम करो, इसकी वजह से ब्रो तुम्हारा दिमाग भी खराब होता है एंड अर्जेस भी ज्यादा आती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। तो इसको यार थोड़ा लिमिट में करो या बिल्कुल हटा ही दो। बट या मैन दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।